हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे एजुकेशन का कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम लोग जो यूनिट यूनिट 9 पढ़ रहे हैं उसका जो टॉपिक है वो है आपका कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो क्या होती है, यानी कि जो अधिकारी तंत्र है वो क्या है उसके बारे में जानेंगे, और इसका हमारे शिक्षा में क्या प्रयोग है उसको भी देखेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी, यानी ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। इसको हम लाल फीता शाही भी बोलते हैं और नौकरशाही भी बोला जाता है। अगर लाल फीता शाही बोले तो एक नकारात्मक वे में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एज ए ब्यूरोक्रेसी। द टर्म ब्यूरोक्रेसी में रिफर बोथ टू अ बॉडी ऑफ नॉन इलेक्टेड गवर्निंग ऑफिशियल, यानी कि ये ऐसी बॉडी होती है जो कि नॉन इलेक्टेड होती है, इसको चुनाव से चुना नहीं जाता है, ये इंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं और वो इनको जॉब मिलती है, तो ये चुने नहीं जाते। जिस प्रकार से नेता या पंचायत चुनाव होते हैं उसमें चुना जाता है, तो इसमें चुनाव नहीं होता है, ये जो होते हैं नॉन इलेक्टेड होते हैं। द टर्म ब्यूरोक्रेसी मे रिफर बोथ टू अ बॉडी ऑफ नॉन इलेक्टेड गवर्निंग ऑफिशियल्स। ये ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जैसे आपके IAS अधिकारी हो गए, ठीक है, IPS अधिकारी हो गए, और इस तरह की जो ये अधिकारी हैं जो कि प्रशासन को संभालते हैं इन्हीं को हम नौकरशाही कहते हैं। एंड टू आ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकिंग ग्रुप, ये एक पॉलिसी मेकिंग ग्रुप, सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है तो आपने प्रायः देखा होगा जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनके सचिव होते हैं, तो जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें वो उसकी हेल्प करते हैं, मिनिस्टर की हेल्प करते हैं, तो जो इनका बहुत बड़ा रोल होता है ब्यूरोक्रेसी का पॉलिसी मेकिंग में, यानी कि जो प्रशासन चलाया जाता है जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें इनकी बहुत बड़ा इनका रोल होता है। एंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी मेकिंग ग्रुप आ ब्यूरोक्रेसी वॉज अ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज बाय द डिपार्टमेंट स्टाफ्ड विद द नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स। ये ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो कि एक ऐसा डिपार्टमेंट या स्टाफ होता है जो कि सरकार का जो प्रशासन है उसको मैनेज करता है। आप देखते हैं कि जैसे IAS अधिकारी होते हैं पूरा जिला का प्रशासन देखते हैं, तो उसी तरीके से ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये सरकार के जो भी कार्य हैं उनको प्रशासन है उसको सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हिंदी में लिखते हैं हम लोग, हिंदी में क्या है, प्रशासन में नौकरशाही प्रारूप जो है, जो डिज़ाइन है मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया था। तो अगर कहीं पे भी आपको ब्यूरोक्रेसी का टर्म दिखती है अगर आपके नेट के एग्ज़ाम में, तो आप उसको मैक्स वेबर से टिक करके आएंगे, उससे मैच करके आएंगे, उसका आंसर ये होगा। जर्मनी के प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही का विस्तृत विश्लेषण किया है। अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट है कि संगठन के प्रत्येक सदस्य को कुछ विशेष कर्तव्य सौंपे जाते हैं। अब जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सरकार अपना प्रशासन चला रही है, तो जो भी उसके अधिकारी हैं उनको कुछ विशेष कर्तव्य जो हैं वो देखे दिए जाते हैं, सौंपे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि इन कार्यों का नियमित रूप से पालन करने के लिए उचित प्रबंध किया जाता है, कि जो भी उनको पॉलिसी बताई जा रही है, जो भी कार्य दिया जा रहा है, जो भी सौंपा जा रहा है, उसको नियमित रूप से वो कैसे पालन करें, ये भी उचित प्रबंध किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका कि संगठन की रचना पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर की जाती है, यानी कि एक एक स्टेप संगठन की किस प्रकार से रचना हुई है और स्टेप बाय स्टेप कार्य किया जाता है। और लिखित अभी फोर पॉइंट है कि लिखित अभिलेखों और दस्तावेजों को अधिक महत्व दिया जाता है। जितने भी प्रशासन का काम होता है वो सब लिखित होता है, उसके दस्तावेज होते हैं, फाइलें होती हैं, तो ये लिखित दस्तावेज होते हैं। अब तो जितने भी दस्तावेज हैं वो डिजिटल रूप में भी आ गए हैं, आप कंप्यूटर्स पे अगर कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हो तो आराम से किसी भी प्रशासन की, किसी भी जिलाधिकारी की, जो भी उसके कार्य हैं, जो भी प्रोफाइल, वो सब कुछ आप देख सकते हैं। तो ये लिखित अभिलेखों और दस्तावेजों को अधिक महत्व दिया जाता है। अब फिफ्थ पॉइंट है, इससे संगठन के आदान प्रदान पर नियंत्रण रखने के नियमों की रचना होती है। जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या कार्य है, उसके आदान प्रदान का नियंत्रण जो है, कंट्रोल जो है, और कंट्रोल करने के नियमों की रचना भी की जाती है। अब जो नौकरशाही है इसके आखिर विशेषताएँ क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं, उसको देख लेते हैं।
जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच अच्छी प्रकार से परिभाषित प्रशासनिक कार्य का विभाजन होता है। हर अधिकारी के पास उनके कार्य और उनके अधिकार, कर्तव्य सब कुछ बताए जाते हैं कि कौन से अधिकार उनके पास हैं, तो पूरी तरह से प्रशासनिक कार्यों का विभाजन होता है। सेकंड पॉइंट है कर्मियों की भर्ती एवं उनके करियर की सुव्यवस्थित एक तर्कसंगत तंत्र है। ये जो तंत्र है इसमें जो कर्मी है, कर्मी कौन है, अधिकारी है, अधिकारियों की जो भर्ती होती है, आप देखते हैं कि IAS PCS अधिकारी होते हैं, ये जो भी एडमिनिस्ट्रेट जो अभी प्रशासन से संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनका एक वैकेंसी निकलती है, उनका एक एंट्रेंस होता है, वे क्वालिफाई करते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो एक पूरा एक प्रोसेस होता है कर्मियों की भर्ती उनके करियर की सुव्यवस्थित एक तर्कसंगत तंत्र है पूरा ये। तीसरा पॉइंट है कि अधिकारियों में पदानुक्रम शक्ति एवं अधिकार समुचित विवरण होता है। सब अधिकारियों के जो भी उनके पद के अनुसार उनके जो शक्तियां हैं, जो उनके अधिकार उनको बताए जाते हैं, और संस्था के घटकों को आपस में जोड़ने के लिए औपचारिक यानी कि फॉर्मल आपके और नॉन फॉर्मल नेटवर्क की व्यवस्था होती है, ताकि सूचना एवं सहयोग का सुचारू रूप से बहाव सुनिश्चित हो सके। अब जो ये अगर हम इसको अगर उदाहरण से एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए जो भी ब्यूरोक्रेसी है ये आपके सरकार, तो इसका जो सरकारी तंत्र है उसमें प्रशासन में तो इसका यूज़ होता ही है, जैसे मैंने आपका अधिकारियों के बारे में बताया है। लेकिन अगर हर विभाग में एक प्रशासन का अधिकारी होता है, सशस्त्र सेना में देखते हैं तो वहाँ पर एक अधिकारी होता है, ब्यूरोक्रेसी वहाँ पर भी है। निगम या कॉरपोरेशन में देखते हैं जो निगम अधिकारी होते हैं उसमें भी अधिकारी होते हैं, गैर सरकारी संस्थाएं उसमें भी अधिकारी होते हैं, आपके नौकरशाही होती है। अगर चिकित्सालय विभाग में देखें वो भी प्रशासन से जुड़ा है तो वहाँ पे भी अधिकारी होते हैं। अगर विद्यालय हम शिक्षा व्यवस्था को देखें, हम शिक्षा व्यवस्था से संबंधित हैं, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में भी ब्यूरोक्रेसी होती है, वहाँ पे भी उच्च अधिकारी होते हैं जो कि उस शिक्षा के प्रशासन को चलाते हैं, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो विद्यालय और न्यायालय में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, वहाँ पे भी प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं जो कि सरकार से सरकार का प्रशासन चलाते हैं। मंत्रिमंडल में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये ब्यूरोक्रेसी मिलती है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो अधिकारी तंत्र है, ये इस तरीके से कार्य करता है पूरे प्रशासन को, चाहे वो सरकार का हो या सेना का हो या निगम का प्रशासन हो, गैर सरकारी संस्थाएं हो, चिकित्सालय हो, आपका विद्यालय हो, न्यायालय, मंत्रिमंडल, सभी का प्रशासन जो है वो संभालने में जो एक तरीके से जो ये ब्यूरोक्रेसी है, जो अधिकारी हैं, इन बहुत इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, इसको मैं और विस्तृत और अच्छा समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको और अच्छी तरीके से आए। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका टॉपिक है कि ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस क्या होता है, ठीक है, यानी कि संगठनात्मक अनुपालन, जो संगठन का है उसमें नियम, जो संगठन एक बनता है उसके नियम होते हैं, कानून होते हैं, उनको जो कर्मचारी हैं किस प्रकार से फॉलो कर रहे हैं और उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया कंप्लायंस इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, यानी कि जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया का ये सेट है क्या, कंप्लायंस यानी कि अनुपालन। एंड ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू इंश्योर, जो ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन है उसको यूज़ करती है, इंश्योर करती है कि जो इम्प्लॉयज़ हैं, जो उसमें कर्मी काम कर रहे हैं, एज अ होल अबिड वो फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, जो इंटरनल रूल है, जो संगठन के रूल बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उनको फॉलो करेंगे, और जो इंटरनल रूल हैं, जो आंतरिक रूल हैं, और जो उसके एक्सटर्नल रूल हैं, उन सबको फॉलो करेंगे अच्छी तरीके से, ये इंश्योर किया जाता है, ठीक है, इसमें किसमें, आपका कंप्लायंस में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस में ये इंश्योर किया जाता है कि जो एम्प्लॉय हैं वो उसको फॉलो करेंगे। अब हिंदी में देख लेते हैं, कंप्लायंस अनुपालन एक ऐसा संबंध है जिसके अंतर्गत जो प्रवर अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं द्वारा अधीनस्थ, उनके अधीनस्थ अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर नियंत्रण हेतु सत्ता का प्रयोग किया जाता है, अधीनस्थ कर्मचारियों के उस सत्ता के प्रति अपने दृष्टिकोण आते हैं। अब इसमें जो अधिकारी हैं वो उनके अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उन वो किस प्रकार से कानून को, नियमों को, जो इंटरनल उनके रूल्स हैं या नियम हैं,
और जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल संगठन के रूल्स हैं उनको किस तरीके से वो फॉलो करते हैं, ठीक है, किस तरीके से फॉलो करते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है, किस तरीके से नियमों का अनुपालन हो रहा है उनको देखा जाता है। अब जो ये फॉलो कराने वाली जो सत्ता है, जो ये आपके उच्च अधिकारी हैं, जो सत्ता है या पावर है, तीन प्रकार से इसको यूज़ करती है। नंबर है आपका हो गया अवपीड़क सत्ता, इसका मतलब ये होता है कि यदि अनुपालन ठीक से नहीं होता है, जो भी आपके नियम बनाए गए हैं संगठन के उसका कर्मचारी ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, अनुपालन नहीं करते हैं, तो उनको शारीरिक या आर्थिक दंड देना भी सम्मिलित है। सेकंड है कि पारिश्रमिक आधारित, यानी कि इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार, अगर वो अच्छा अनुपालन करते हैं, नियमों को अच्छी तरीके से कार्य करते हैं, तो उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि उनको प्रमोशन दे दी जाती है, वेतन उनको अच्छा कर दिया जाता है। अगला है कि मानदंड, यानी कि इसमें प्रतीकात्मक पुरस्कार शामिल, जैसे उनको सम्मान, अगर कोई कर्मचारी बहुत अच्छा रोल कर रहा है, बहुत अच्छा अपने फॉलो कर रहा है नियमों को, टाइम पे आता है, टाइम पे हर कार्य करता है, तो उसको एक सम्मान भी दिया जाता है, जो कि सम्मान तो एक पुरस्कार ऐसा है जो कि देखा नहीं जा सकता, मन महसूस किया जा सकता है। आगे देखते हैं अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों में संलग्नता अथवा उसमें भागीदारी, संस्थागत अनुपालन, ठीक है, अधीनस्थ जो कर्मचारी मैंने आपको बताया, अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों में जो संलग्नता, यानी कि जो अच्छी तरह से वो कार्य कर रहे हैं, रुचि से कार्य कर रहे हैं, अथवा उसमें उनकी जो भागीदारी है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें है कि जो संस्थागत अनुपालन एक ऐसा आवश्यक पहलू है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि संगठन अनुपालन जो संस्थागत अनुपालन जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक आवश्यक पहलू है, ठीक है, आवश्यक पहलू है एक संगठन के विकास के लिए। ये अनुपालन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, किसी भी संगठन में आप जाइए, किसी भी, चाहे वो शिक्षा से संबंधित है, चिकित्सालय से संबंधित कोई भी संगठन है, चाहे वो आपका प्राइवेट है या सरकारी है, किसी संगठन में जाएंगे, अगर वहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो उसके नियमों को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर रहे, अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे, तो वो संगठन का विकास अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे जो कर्मचारी हैं यहाँ से संबंधित, जो भी अधिकारी हैं, अगर नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जो शिक्षा का प्रशासन है, जो शिक्षा का संगठन है, वो अच्छी तरह से अपना कार्य नहीं कर पाएगा, वो अच्छी रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।